चुके हैं रामघाट। यहाँ पे सुब्रा नदी की विशाल आरती होती है और इस आरती में शामिल होने के लिए लोग घंटों लाइन लगा के बैठते हैं, तो हम भी उस आरती के साक्ष बनने के लिए आए हुए हैं। तो आप सभी को हम अपने साथ दिखाएंगे सुब्रा नदी की आरती, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पे, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो हो तो आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। पूछ रही गाइस हमारे साथ आरती पे, हम हैं राम घाट पे। ये माता बहुशरा देवी का दिखाते हुए चलते हैं। जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ। और ये भी है अंदर भोलेनाथ ही हैं। बहुत ही बहुत सारा मंदिर है यहाँ पे। और देखिए ये देखिए पूरा महादेव की बहुत। अति प्राचीन धर्म नाम राम घाट देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ सर्प काल दोष का पूजा होता है। ये है राम घाट मंदिर, राम घाट का यहाँ पे सर्प काल दोष की पूजा कराया जाता है। देख सकते हैं आरती की तैयारी हो चुकी है यहाँ पे। चलो यार सामने पे बैठते हैं। ये देखिए आरती की तैयारी हो चुकी है और चलिए हम सामने में दर्शन करने के लिए बैठते हैं। हम यहाँ से किसको उतरी ये देख सकते हैं आरती के लिए सज चुकी है। ये भव्य आरती के लिए जा जा हम तुम्हारे लिए जगह रखे हैं। तो देखिए दोस्तों मंत्रोच्चारण के साथ माँ क्षिप्रा की आरती की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले धूप आरती होगी, उसके बाद दीप आरती होगी। तो हम दोनों ही आरती को पूरी दिखाएंगे, पूरी वीडियो दिखाएंगे इसकी आप लोग को। तो प्लीज़ आप सभी बने रहिए और इस अद्भुत आरती को सुनिए और रसपान कीजिएगा। आप सभी भी इसके साथ बनिए, इसके साथ बने रहिए आरती की। और ये आरती बहुत ही भाग्यशाली लोग को मिलता है सुनने को देखने को। महाकाल की नगरी उज्जैन में होती है माँ क्षिप्रा की आरती और यहाँ इसके तट पर मंदिर ही मंदिर है। सारे शिवलिंग ही शिवलिंग, भोले बाबा ही भोले बाबा। तो चलिए इस आरती के साक्ष बनते हैं हम और इस आरती की सुनते हैं, इस आरती की लुत्फ उठाते हैं। तो आप सब भी इस आरती को मेरे साथ सुनिएगा। तो चलिए पंडित जी लोग की तैयारी हो चुकी है और मैं बोलना बंद करके आप सभी को आरती देखिए। अब यहाँ धूप आरती हो रही है, इसके साथ इसके जस्ट बाद दीप आरती होगी। तो इतने शानदार तरीके से माता रानी की आरती की शुरुआत हो चुकी है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो पे, इस आरती की लाइव वीडियो आप सभी को मैं देख के आप सभी को दिखा रही हूँ।
की आरती होगी। यहाँ पे माता शिप्रा की राम घाट में भव्य आरती होती है, जैसा कि हमने आप सभी को बताया है। और इस आरती के साक्षात दर्शन आप सभी को हम करा रहे हैं। बहुत भीड़ रहती है यहाँ लोगों की इस आरती में शामिल होने, लाइन पे लगी होती है दर्शन के लिए। चलो हम भी इस आरती में शामिल होते हैं और आप सभी को शामिल करते हैं अपने साथ। चलिए आरती में शामिल होते हैं माँ छिप्रा की। ये छिप्रा नदी के किनारे महाकाल उज्जैन नगरी बसी हुई है और इसी के किनारे बाबा महाकाल की मंदिर स्थापित है। और इसके किनारे माता छिप्रा की आरती संपन्न हो चुकी है।
नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को ले चलेंगे हम और देवी मंदिर में ले जाएंगे, शक्तिपीठ ले जाएंगे, जिनकी हम भव्य आरती में आप सभी को शामिल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे। तब तक के लिए हम आप सभी से आज्ञा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय महाकाल।